को लेकर आज से प्रारंभिक किए गए जन जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, डीआईजी मनीष कपूरिया मालवा मील क्षेत्र की पतरे वाली बस्ती में पहुंचे। यहां इन अधिकारियों ने लोगों को समझाइश दी कि अपने आसपास और घर में कहीं भी पानी एकत्रित नहीं होने दें, क्योंकि डेंगू का लार्वा कई दिनों तक इसी एकत्रित पानी में ही पनपता है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि डेंगू को लेकर जागरूकता बहुत आवश्यक है, कई मामलों में तो डेंगू कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि डेंगू का प्रकोप अभी और आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है, शहरी और नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के, कि कुछ समय निकाल करके अपने घरों में ये देख लें कि कहीं कोई ताज़ा पानी एकत्रित तो नहीं हो रहा है। 7 दिन तक अगर ताज़ा पानी एकत्रित रहता है तो उसमें डेंगू के लार्वा पनपते हैं, और डेंगू का लार्वा सुबह 10-11 बजे तक ही इफेक्टिव रहता है। 2-3 फीट हाइट तक जाता है वो, और एक स्थान से वो अधिकतम 400 मीटर तक जा सकता है वो। तो उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग प्रिकॉशंस लेने का सभी जनता को बोलते हैं, सभी रहवासियों को बोलते हैं। और डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि अगर जागरूकता है, हर व्यक्ति अपने घर में ध्यान से ये देख ले कि स्वच्छ वाटर, क्लियर वाटर इकट्ठा ना हो, तो उससे डेंगू उस घर में नहीं होगा, ये भी गारंटी रहती है। तो डेंगू में जागरूकता बहुत आवश्यक है। डेंगू हो जाने पर फिर जैसा कि वायरस की दवाइयाँ कुछ नहीं रहती हैं, फिर लिक्विड लेना, जूस पीना, पानी पीना, नारियल पानी पीना या सूप पीना ये रहता है, या कि फिर जो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ रहती हैं, पैरासीटामोल वगैरह, वो दी जाती हैं। किंतु कई बॉडी में डेंगू भी, जैसे कोविड कई लोगों में बड़ा निगेटिवली इफेक्ट करता है, वैसे डेंगू भी इफेक्ट करता है, और इसमें फैटल भी रहता है डेंगू। कई मामलों में डेंगू कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसकी जागरूकता बहुत आवश्यक है लोगों में। इंदौर में चूँकि 40 से 45 लाख की आबादी है, किंतु फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। अभी हम लोग यहाँ स्लम बस्ती में पतरे की चाल, जो मालवा मिल चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे आते हैं तो बाएं तरफ पड़ती है मिल की भूमि पर यहाँ आए हैं। यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, क्योंकि महिलाओं की, बच्चों की जागरूकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है हर परिवार में। और सबको मालूम था, आइडिया था कि डेंगू से बचाव के घर में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, सबने रखा भी था, खुशी की बात है ये। और जब इस तरह के क्षेत्र में ऐसी जागरूकता है तो स्पष्ट है कि बाकी जगह भी जागरूकता होगी, पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है लोगों घर में, क्योंकि हमें जागरूकता होने के बाद भी अगर हम घर में खुद ध्यान नहीं देंगे या देखेंगे नहीं या चेक नहीं करेंगे तो कोई ना कोई गलती रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, जिससे कि डेंगू का लार्वा पनप सकता है। तो उसकी सावधानी हमको बरतनी है, क्योंकि अब जब बरसात ख़त्म होगी और उसके बाद जो पानी भरा हुआ रहेगा, क्लियर वाटर, उससे डेंगू का एक प्रकोप और आएगा। अभी भी डेंगू है किंतु फिर एक प्रकोप आएगा, इसलिए बचने के लिए जागरूकता के तहत अगर लोग अभी से दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। मैं शुभकामना देता हूँ पतरे की चाल के सभी रहवासियों को।